बड़ी चोखी लग रही है हमारे लाडो। गायू ने क्या बढ़िया कपड़े बनवाए थारे वास्ते। कपड़े चाहे जिसने भी बनाए मावड़ी, रूप रंग तो थारा मिला है ना मारे को। चोखी मावड़ी की चोखी लाड। चल हट। मैंने कहा था ना, जो लोग कमजोर होते हैं उनके लिए अलग से शासन करता हूँ, जैसे कि तू है। के हुआ लाडो? कुछ ना मावड़ी, वो गलती से गिर गया। अच्छा अच्छा, कोई बात ना है, अट्ठे हमारे पास। उन्होंने तो कर ली अपनी पूजा लाडो, मैं थारा इंतजार कर रही थी। तू आवेगी तो साथ में करेंगे। मैंने छोटा सा ढेर भी लगा रखा है लकड़ियों का। अलग करेंगे हम पूजा? हाँ, साथ में करना उनको अच्छा ना लगेगा। कार्तिक बट्ठे कर लेगा, हम अट्ठे, अपना अलग। कार्तिक, क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ क्या? परेशान लग? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या परेशान हूँ? मैं जवाब देने की जल्दी अगर सवाल खत्म होने से पहले हो तो इसका तो यही मतलब है कि इंसान या तो कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। तुम दोनों में से क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अभी आया। ये सीरत कहाँ गई थी, पता है किसी को? ट्रेनिंग लेने अपने कोच के पास। कल कहा था ना उसने कि आज से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। सीरत की ट्रेनिंग और कार्तिक का क्या कनेक्शन है? और इतनी रात तक कौन सी कोचिंग हो रही थी, वो भी आज के दिन? ध्यान कट्ठे छोरी थारा, रंग तो सारा बाहर फैला दिया। सॉरी मावड़ी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। के हुआ लाडो, परेशान है किसी बात नहीं लेके? कोच ने कुछ कहा तारे को? ना मावड़ी, वो मैंने बताया तो था, बहुत थक गई हूँ ना इसलिए। पापा! क्यों है आपको कह रहा? अब ठीक हो ना? क्यों कह रहा? पापा ये देखो क्या हो गया। ये क्या हो गया? होलिका कैसे पूछ गई? लगता है गार्डन का पाइप फट गया। अब टेंशन मत लो, खुश गए मेन नॉब बंद करने। ये तो अपशगुन हो गया। पूरे परिवार के साथ आहुति देनी बाकी थी ना हमारी। ना कार्तिक पूजा बीच में छोड़कर जाता, ना ये होता, और ना ही हम में से किसी के मन में ये वहम आता। लेकिन अब क्या करें? पूजा पूरी कैसे करें हम? मारी होलिका में दे दो। अग्नि तो अग्नि हुए है बहन जी, उसमें अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ फर्क ना हुए है। माँ जी, अग्नि में तो सारी अपवित्रताएं जल के नष्ट हो जाती है ना, तो इसमें सोचना क्या? मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर ये होगा कि हम भगवान से माफी मांग लें। यही ठीक है। आपकी होलिका आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए किसी का भी कोई एहसान। मनीष, पूजा प्रथा का अपमान नहीं होने देंगे हम। होलिका उनकी हो या हमारी, इस समय जरूरी ये है कि किसी तरह किट्टू ये पूजा कर पाए। चलाइए अपनी होलिका। कभी ना जलने का वरदान मिला था होलिका को, लेकिन उसने जब इस वरदान का गलत इस्तेमाल किया तो भगवान ने होलिका का ये वरदान वापस ले लिया, और भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका स्वयं उस आग में जल गई।
इसका मतलब समझते हो बच्चों? इसका मतलब ये है कि बुरा आदमी कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और अगर प्रभु का आशीर्वाद हो तो भक्त प्रहलाद जैसा बालक भी होलिका जैसी दुष्टा को नष्ट कर सकता है। इसलिए कोई ये न समझे कि वो छोटा है या कमजोर है, अगर वो सच्चा है, सही है, तो वो ही सबसे बलशाली है। उस कोच के सामने मैं छोटी से और कमजोर ना हूं। उसने तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना मैं कि हम सबक सिखाएंगे उसे। मारे को करनी है उसकी कंप्लेन कार्तिक जी, फिर सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम कह रही हो। थैंक यू कार्तिक जी। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नाना कार्तिक जी, आप क्यों सॉरी कह रहे? उसमें तारी क्या गलती है? आपने तुम्हारे भले के लिए करा था ना, वो तो कुछ मारी किस्मत खराब है और कुछ मारी खोपड़ी। अरे मावड़ी ने मन ने कहा भी था कि आपने साथ लेके जाऊं, पर मारे को लगा मैं तुम्हारा अकेले जाना कहीं तुम्हारी गलती नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद ये मत सोचना कि तुम कहीं अकेले नहीं जा सकती। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं हो तो कमजोर नहीं होगी तुम। इसमें गलती सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं। ये दोनों तब से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा क्या सीक्रेट शेयर कर रहे हैं दोनों? हाँ कुछ तो हुआ है, देखो ना दोनों के चेहरे के रंग ही उड़ गए। किट्टू, हम सबने तो अग्नि के गिर्द फेरे ले लिए, बस तुम ही बाकी हो। ले लो, थारे को भी लेने हैं सीरत फेरे। आइए जरा। क्या बात है भाभी? जिस बात का डर था माँ वही हो रहा है। कल का मुहूर्त शुभ है ना माँ? हाँ, क्यों? कल मैं सबके सामने कार्तिक और रिया के रिश्ते की बात अनाउंस कर देता हूँ माँ। निश, क्या आप उनको मेरे मम्मा बना सकते हो? गॉड ने उनको सेम टू सेम फेस दिया है, तो हम उनको सेम टू सेम फैमिली क्यों नहीं दे सकते? लेकिन मनीष, प्रॉब्लम क्या है माँ? कितने वक्त से दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह। हमारी जैसी फैमिली से हैरिया भी, और दोनों फैमिली भी तो एक दूसरे को जानती है। और आप भी तो रिया को पसंद करती है ना मां? वो कायरव तो समझ जाएगा, समझ भी जाएगा और समझ भी जाएगा। एक ना एक दिन समझना ही पड़ेगा उसे कि जिसे अपनी माँ माने बैठा है वो असल में उसकी माँ है नहीं। ये ले प्रोटीन शेक, थोड़ा पी ले, स्टैमिना वापस आ जाएगा। सीरत के सपनों को पूरा करने में उसकी हेल्प करूंगा और कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा उसके साथ। मेरी जिम्मेदारी पे यहां आई है, मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। मारी को कसम है अपनी मावड़ी और मैरी कॉम दीदी की, मैं हार ना मानूंगी, ना ही अपनी हिम्मत टूटने दूंगी। जो सोचा है वो करके दिखाना है हर हाल में। हेलो मिस्टर रनावत जी, मैं कार्तिक गोयनका बोल रहा हूँ, आप बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं ना जी? आपके कोच मिस्टर देव चौधरी के खिलाफ कंप्लेन करनी है मुझे, मैं रिटर्न कंप्लेन भी भेज दूंगा आपको इस वक्त। देखिए बात यह है कि उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट मिस
सीधत शिकावत को प्रैक्टिस करने के बहाने अशोका गैरेज में बुलाया था। वहां उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ये रिटर्न कंप्लेन आपको आधे घंटे में मिल जाएगी। जी सॉरी, तुम्हारे सामने ये पूरी बात दोबारा दोहरानी पड़ रही है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सीरत, तुम ठीक हो ना? देखो, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है तो उस आदमी की, और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जो भी उसने किया है ना, वो तुम देखना। वो डरा दिया मन्ने थारे को, माफ करना, गलती से गिलास गिर गया। सॉरी। जी नहीं नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात ही नहीं है। इट्स ओके। इतना जल्दी? तुम्हें अभी भी ये जल्दी लग रहा है? सॉरी भाई साहब, पर हाँ, नायरा को गए अभी वक्त ही कितना हुआ है कि कार्तिक की शादी। जख्म अभी ताजा है, और जख्म ताजा है और गहरा भी, इसीलिए उसमें मरहम लगाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम देर कर दें और जख्म इतना गहरा हो जाए कि उसके बाद उसका इलाज ही ना हो सके। इसीलिए हमें कुछ करने की जरूरत है। पर एक की जगह दूसरा कैसे? स्वर्णा, जब तुम इस परिवार में आई थी तो क्या तुमने सौम्या की जगह ली थी? नहीं ना, अपनी जगह खुद बनाई थी। वैसे ही कार्तिक की जिंदगी में जो भी आएगा वो अपनी जगह खुद बना लेगा, मगर आने तो दे किसी को। तो ठीक है भाई साहब, पर अखिलेश क्या हो गया तुम्हें? 25 साल पहले जब मैं दोराहे पे खड़ा था, स्वर्णा के साथ घर बसाने में तुमने ही मेरी मदद की थी। तुमने मुझे हिम्मत दी थी, तुमने मुझे बताया था कि यही सही है। आज कार्तिक को जब तुम्हारे साथ तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है तो क्या हो गया तुम्हें? तुम पीछे क्यों हट रहे हो? हाँ अखिलेश भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको कार्तिक से बात करनी चाहिए, और कार्तिक आपकी बात बिल्कुल नहीं डालता। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या करे, बता दे जो कायरव ने हमसे कहा। नहीं नहीं, कायरव तो बच्चा है, उसे अपनी माँ का चेहरा दिखता है सीरत में, इसलिए कह गया होगा। जबकि मनीष पूरी तरह से सोच समझ के कह रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।